विज्ञान भैरव तंत्र की यौन भावना। देखिए, आज के सामान्य मनुष्य द्वारा काम वासना को बहुत गलत समझा गया है। हमारा मन काम वासना में ही रहना चाहता है। आपका मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह अध्यात्म में से भी काम वासना खोज ही लेता है। आपका मन अपने हिसाब से शास्त्रों को मॉडिफाई कर लेता है। जैसे कि एक शास्त्र है विज्ञान भैरव तंत्र, तो तंत्र से लोगों ने इसका अलग अर्थ निकाल लिया। जबकि इस किताब में बताया गया है कि कामवासना से कैसे मुक्त हुआ जाए, लेकिन कुछ लोगों ने समझा कि कामवासना को अच्छी तरह से कैसे किया जाए। अब देखिए, मेरी बातों का अपना अर्थ मत निकाल लेना कि कामवासना अच्छी है या बहुत खराब है। आप इसे ऐसे समझें कि कामवासना हमें कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि एक उम्र में आकर कामवासना की नॉलेज हमें स्वयं से ही मिल जाती है। इसे ज्यादा अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप एक स्त्री हैं तो किसी पुरुष की ओर कामवासना की नजरों से देखना, अगर आप एक पुरुष हैं तो किसी स्त्री की ओर कामवासना के विचार या नजरों से देखना। क्या ये सब कुछ आपको किसी ने सिखाया था, या आप किसी कामवासना के इंस्टीट्यूट गए थे जहां आपने सीखा हो कि किसी स्त्री या पुरुष के लिए कामुक कैसे हुआ जाए? ये सब कुछ एक उम्र पर ही आकर आपके भीतर अपोजिट सेक्स के लिए आकर्षण स्वयं ही आ जाता है। आपके मन में संभोग की इच्छा के विचार आना, इसका केवल यह अर्थ है कि काम की इच्छा हमें प्रकृति देती है। इसलिए काम की इच्छा होना या उसके विचार आना ये गलत नहीं है, क्योंकि ये मानसिक क्रिया आपके द्वारा नहीं की गई, ये प्रकृति द्वारा संचालित है। प्रकृति ने प्रजनन क्रिया इसलिए बनाई ताकि सृष्टि का निर्माण हो सके। काम वासना के मामले में लोगों की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपको काम वासना में ना तो ज्यादा डूबना है और ना ही से नफरत करनी है। असल में हम किसी भी चीज का बैलेंस नहीं बना पाते, इसलिए हमारे लिए कोई चीज या तो ज्यादा अच्छी हो जाती है या ज्यादा खराब हो जाती है। अगर आप बीच में स्थित रह पाए तब आप उसके विज्ञान को समझ पाते हैं। ये प्रकृति हमें काम इच्छा तकरीबन 14 साल की उम्र में दे देती है ताकि प्रकृति को आगे बढ़ाया जा सके। और ये सब कुछ पशु पक्षियों को भी दिया गया, लेकिन पशु पक्षी इन चीजों को दबाते नहीं है, परंतु हम मनुष्य अपनी इस इच्छा को दबा लेते हैं, जिससे काम वासना की वह ऊर्जा जो आपने अपने भीतर दबा ली है इस सभ्य समाज के नियमों की वजह से। अब जो चीज आपने अपने भीतर डाल ली है, गहरे में दबा ली है, वो अंदर पड़े पड़े सड़ जाती है और वही ऊर्जा विष का रूप ले लेती है। और इसीलिए काम ऊर्जा बदल जाती है काम वासना में। देखिए, काम और वासना दोनों अलग अलग चीजें हैं। काम गलत जब होता है जब ये वासना का रूप ले लेता है। पहले कुछ समय तक काम को पवित्र माना जाता रहा, परंतु अज्ञानता के कारण अब इसका कुछ और अर्थ निकल के आने लगा है। आज का मनुष्य जो 60-70 साल का होने के बाद भी बहुत सी स्त्रियों को भोग चुका है, कई शादियां कर ली हैं, परंतु काम वासना उसे फिर भी नहीं छोड़ती, तो विज्ञान भैरव तंत्र यही कहता है कि इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, काम वासना में लिप्त लोग इससे कैसे मुक्त हो सकें। देखिए, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। हमारे मूलाधार चक्र को हर एक 28 दिन में संभोग करने के लिए ऊर्जा मिलती है, और स्त्री में नेगेटिव एनर्जी होती है, पुरुष में पॉजिटिव एनर्जी होती है। संभोग के समय दोनों ही ऊर्जा मिलती हैं और एक नए जीवन को जन्म देती हैं। देखिए, अगर कोई स्त्री संभोग नहीं करती तो उसकी ऊर्जा उसके शरीर में ही रहती है, जो कि स्त्री के पीरियड्स के दौरान बाहर निकल जाती है। इसीलिए हर एक स्त्री जब उसका पीरियड का समय होता है तब वह ऊर्जा स्त्री के भीतर असर दिखाना शुरू कर देती है, जैसे स्त्री के अंदर चिड़चिड़ापन, छोटी सी बात पर अधिक क्रोध आ जाना। इसीलिए किसी स्त्री को पीरियड्स के दौरान परेशान नहीं करना चाहिए। और ठीक वैसे ही जब कोई पुरुष संभोग करता है तो उसकी ऊर्जा वीर्य के रूप में बाहर निकल जाती है। अगर पुरुष में भी वह ऊर्जा बाहर ना निकले, वह फोर्सली उस ऊर्जा को अपने भीतर दबा कर रखे, तब पुरुष के अंदर भी अधिक क्रोध पैदा हो जाता है और उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि इस काम ऊर्जा का इस्तेमाल हम दो तरह से कर सकते हैं, एक पुरुष शुक्राणु के रूप में और महिला के भीतर अंडाणु के रूप में। यह दोनों तरीके तो भौतिक हुए,
परंतु अगर आप आत्मज्ञान के मार्ग पर हैं, तब आप इस ऊर्जा को रूपांतरित करके अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। और जब काम ऊर्जा द्वारा कुंडलिनी को धक्का लगता है, हमारे चक्र सक्रिय होते हैं और उनकी गति तेज होती है, तब हमें कुछ नए नए अनुभव भी होते हैं। कम शब्दों में कहूं तो साधारण व्यक्ति के लिए काम ऊर्जा भोग बनती है, और जब यही काम ऊर्जा रूपांतरित होती है और हमारे सातों चक्रों को सक्रिय करती है, तब ये योग में बदल जाती है। यानी साधारण व्यक्ति के लिए भोग और एक आत्मज्ञानी के लिए यह योग बन जाती है। चलिए अब देख लेते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने कौन सी विधि बताई जिससे अपनी काम ऊर्जा को योग में बदला जा सके। स्त्री के सहवास से सुखमय आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद मेरे ही अंदर से आता है। असल में स्त्री का सहवास केवल उसे अभिव्यक्त करता है। ऐसी भावना करने पर ब्रह्म तत्व के आनंद में समाविष्ट होता है। इसका अर्थ है हमें किसी दूसरे की बात में आनंद हो या ना हो, परंतु स्त्री पुरुष के सहवास के सुख में रस होता ही है। आपको उस रस को देखना है, और जब आप स्त्री या पुरुष के साथ सहवास कर रहे हो तो ये देखो कि उसमें आनंद इसलिए आ रहा है कि मैं आनंद लेना चाहता हूं। अगर आप अपने अंदर से आनंद के विचार को निकाल दो तो वही सहवास आपके लिए दुखदायी हो जाएगा। जरा इस पर गौर करें, और इसका अनुभव हम लगभग रोज करते हैं, पर हम फिर भी नहीं समझते। प्रेम करने वाले कई जोड़े थोड़े ही दिनों में झगड़ने लगते हैं। जो लड़की आपको पहले कभी बहुत पसंद थी, जिसके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ सकते थे, पर जैसे ही उसी लड़की से शादी हो गई और कुछ ही दिनों में उसी लड़की के साथ रहना मुश्किल लगने लगता है, जिसके बिना आप कभी जीने की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। भला ऐसा क्यों होता है? असल में हमें ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा सुंदर रूप होगा तो संभोग ज्यादा अच्छा होगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। आप जरा फिल्म एक्ट्रेस की लाइफ में गौर करना। हम उन सभी बॉलीवुड या हॉलीवुड की एक्ट्रेस को बहुत सुंदर समझते हैं और उनके साथ संभोग करने की इच्छा भी करती होगी, परंतु आप उस हीरोइन के पति को देखें, वह किसी और स्त्री के चक्कर में पड़ा होगा। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, आप ये सब न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में पढ़ते ही होंगे। और आजकल तो हमारे पास में सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। अब जरा एक बात सोचो, जिस हीरोइन की ब्यूटी पर पूरी दुनिया मरती है, आखिर अब उसका पति उसे पसंद क्यों नहीं करता? इसका कारण यह है कि जो आनंद हमें स्त्री के भीतर मालूम पड़ता था, असल में वह उस स्त्री में नहीं था, वह हमारे भीतर से ही आ रहा था। और जब वह आनंद आपके भीतर समाप्त हो जाता है, तब आपको वह स्त्री बुरी लगने लगती है। देखिए, अगर हम अपने भीतर यह जान पाए कि अच्छा या बुरा लगना मेरे अंदर ही है, तो हम ब्रह्म तत्व को समझ लेंगे। ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि किसी स्त्री या पुरुष के शरीर में आनंद है, इसीलिए एक स्त्री या पुरुष से आनंद नहीं मिलता तो वह दूसरे के पीछे जाते हैं, और दूसरे को भोगने के बाद उसमें आनंद नहीं मिलता फिर वह तीसरे की ओर जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को समझना चाहिए। दूसरा सूत्र भी कुछ यही कहना चाहता है। हे राजकुमारी, स्त्री के स्पर्श या चुंबन का सिर्फ विचार करने पर असल स्त्री के ना होते हुए भी आनंद आता है। इसलिए यह भाव करने से कि आनंद की स्थिति मेरे अंदर ही है, यही परम आनंद होता है। इस सूत्र का अर्थ है कि किसी स्त्री के छूने से या किस करने से आनंद मिल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप खाली बैठकर इस तरह का विचार या कल्पना अपने भीतर करो, तब भी आपको वही आनंद मिलेगा। जबकि वहां पर स्त्री या पुरुष मौजूद नहीं है, तो अब सोचो कि जो आनंद आप स्त्री या पुरुष में ढूंढ रहे थे, असल में वह है कहां? कहीं वो आपके भीतर तो नहीं? इसका अर्थ यह है कि आनंद आपकी सोच और विचार में है, आपके अंदर ही है, किसी दूसरे स्त्री या पुरुष के शरीर में नहीं है। तो विज्ञान भैरव तंत्र का केवल यह अर्थ है कि यौन भावना में भी आप अपने आप को देखें, अपने भीतर देखें, दूसरे व्यक्ति को नहीं। पर ज्यादातर लोग विज्ञान भैरव तंत्र की धारणाओं को गलत समझ लेते हैं, और उन्होंने इसका अर्थ ये निकाला कि जब किसी के साथ संभोग में उतरो तो पूरी तरह से उतरो, उस पर ध्यान लगाकर धीरे धीरे उतरो। आपका पूरा ध्यान संभोग पर होना चाहिए।
परंतु इस सूत्र का सही अर्थ यह है कि अगर आप संभोग में उतरते हैं तो उस समय पूरा ध्यान आपके अपने भीतर होना चाहिए, आप पर होना चाहिए, ना कि संभोग पर। अगर आपका ध्यान पूरी तरह से संभोग में होगा तब आप स्वयं से भटक जाएंगे। अर्थ तो यह है कि अगर संभोग में भी उतरो तो स्वयं को देखते हुए पूरा ध्यान स्वयं पर होना चाहिए कि कैसे मैं कामुक हो रहा हूं, कामुक से उठ रही है, आखिर मेरा यह शरीर किसी स्त्री का शरीर पाने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आप इस स्थिति में होश पूर्वक इसे देख पाए तब आपकी ये संभोग की इच्छा, संभोग की ये लालसा, संभोग की ये ऊर्जा आपको समाधि तक ले जाएगी। वैसे ओशो ने भी अपनी एक पुस्तक संभोग से समाधि की ओर, उसमें भी यही समझाने का प्रयास किया है, परंतु उन लोगों ने जो अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझते हैं उसका गलत अर्थ निकाल लिया। लोगों ने समझा कि वह संभोग करके समाधि पाने की बात कर रहे हैं, परंतु असल में उनका कहने का अर्थ यह है कि अगर संभोग की स्थिति में उस काम वासना के क्षण में आप जाग सको और देख सको कि मैं क्या कर रहा हूं, तब उस संभोग की स्थिति से ऊपर उठकर आप समाधि को पा सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति काम वासना की भावनाओं को अपने भीतर दबाए रहते हैं, अक्सर वही लोग स्त्रियों के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं, असल में उस समय वह अपने भीतर जाकर नहीं देख पाते कि उनके अंदर दबी काम वासना की वजह से वह लड़की के कपड़े या उसके अंग अच्छे या बुरे लगते हैं। किसी स्त्री के कपड़े देखने के बाद उस पर टिप्पणी करना यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति में काम वासना भीतर दबी हुई है। उस प्रकार की लड़की या उस तरह की स्थिति को वो कभी हासिल कर ही नहीं पाया, इसीलिए वह इस तरह के दृश्य देखकर चिढ़ जाता है। इसलिए वह अपने अंदर की चिड़चिड़ाहट को किसी स्त्री पर टिप्पणी करके निकालता है। मेरी एक बात याद रखना, संभोग करना या संभोग में उतरना या फिर उसके खिलाफ बोलना, ये तीनों ही बातें आपको उससे जोड़ देती हैं। हमारा मकसद केवल उसे सहजता से समझने का है। अच्छा, अब इस विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ ये मत निकाल लेना कि जब तक आप संभोग नहीं करोगे आपको समाधि नहीं मिलेगी, आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सूत्र केवल उन लोगों के लिए है जो अधिक कामुक होते हैं, जिनके जीवन में सर्वोपरि संभोग है, काम वासना है। वैसे हर प्रकार के मनुष्य के लिए विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियां बताई हैं। साथ ही इस पुस्तक में उन लोगों का भी ख्याल रखा गया है जो अधिक से अधिक काम वासना में जकड़े हुए हैं, और यह सूत्र केवल उन्हीं के लिए है। बहुत से लोग सहजता से काम वासना से मुक्त हो जाते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत से अधिक मार्ग हैं। तो इसलिए मेरा आज का ये वीडियो, इसे सुनने के बाद जरा ठंडे दिमाग से समझने का प्रयास करना कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र का सही अर्थ क्या है। नहीं तो हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे ज्ञानी होंगे जो इस वीडियो को पूरा ना समझकर अपने तर्क कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हर व्यक्ति के सोचने का पैटर्न अलग अलग होता है और उसे मैं अपने हिसाब से नहीं कर सकता। तो इसलिए जो इस टॉपिक को समझ पाए हैं उनका तो स्वागत है ही, और जो नहीं समझ पाए उनका भी स्वागत है।